तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुकी है, अब हम आपको बताएंगे जो बाइक में किलोमीटर होता है, ये जो कांटा होता है ये काम कर रहा है लेकिन पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, इसका कारण किलोमीटर को चेंज कर देता है और न्यू किलोमीटर लगा देता है और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो मेरे मैकेनिक भाई, ये जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो चेंज करा लेता है, लेकिन जिसके पास बजट कम हो वो कैसे करेगा, किलोमीटर तो उसको हर हाल में चालू करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आज हम आपको बताएंगे जो पॉइंट ना उठने का कारण क्या है और हम आपको बताएंगे इसमें क्या चेंज करेंगे और जो हम लोगों का किलोमीटर का पॉइंट होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, जैसे कि व्हील को हम घुमा रहे हैं और यहाँ पॉइंट कांटा उठ रहा है, देखो जैसे कि ये घूम रहा है, अब हम इसको लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो कांटा है अभी उठ रहा है, जैसे कि व्हील को घुमा रहा है, यहाँ उठ रहा है, 0 से 10 चाह चुकी है लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं उठ रहा है। इसका जो कांच ख़राब है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, हम खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ और काम करके प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम इस मीटर कंसोल को खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है और इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ ये मीटर कंसोल खोलने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक भाइयों, देख पा रहा है मैंने मीटर को खोल लिया है, अब हम आपको बताते हैं जो ये जो पॉइंट यूनिट है अगर ना उठे तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा। जैसे कि एक वायर, जैसे कि हमने मीटर का तार यहाँ भरेंगे, ठीक है, और इसको घुमाएंगे, ये घूमेगा, जैसे कि ये घूम रहा है, देखो। अब ये जो पॉइंट होती है, ये जो पॉइंट होती है, ये पॉइंट कोई कोई बाइक में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि ये घूमने तक ये पॉइंट घूम नहीं रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये कहीं भी नहीं घूम रहा है। अब ये ख़राब होने का कारण भी हम आपको बता देते हैं। ये जो मीटर का पिनियम होता है ये क्यों कटता है मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि इसका साथ इसका संपर्क है और इसका साथ इसका संपर्क है या इसका साथ इसका संपर्क है, तो सबसे ज़्यादा ये अगर जाम हो जाता है कोई कोई बाइक में, इस बाइक में अगर फ्री है लेकिन कोई कोई बाइक में ये अगर जाम हो जाएगा, ये कांटा हाथ दे के हम हिलाएंगे तो नहीं घूमेगा, तो इसका मतलब ये जाम हो चुकी है। जाम अगर ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग जब बाइक का व्हील घूमेगा तो ये जो मीटर का पिनियम होता है ये पिनियम कट जाता है, क्योंकि सबसे नॉर्मल यही पिनियम है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम इस पिनियम को न्यू डालेंगे, डालने के बाद मीटर को ठीक करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे 100% मेरे पास सॉल्व करने का तरीका है। तो चलो हम इस पिनियम को लगाते हैं और ये सब कुछ खोल लेते हैं, क्योंकि खोलने के बाद ही हम इसको लगाएंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, किस तरह से हम खोलें आपको बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हमें कांटा खोलना पड़ेगा, तो कांटा खोलने के लिए कुछ इस तरह का ज़रूरत होता है। कांटा हमने खोल लिया है, अब हम आपको बताते हैं। डायल होता है पॉइंट का डायल, इसे हम खोलेंगे, ठीक है, बस हमने खोल लिया है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, हमें क्या क्या खोलना पड़ता है हम आपको बताते हैं। जैसे सैंपल के तौर पे हम इस बॉडी को निकालेंगे, इसको तब इसे किस तरह से निकालें वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने रखेंगे और कुछ चीज़ लेकर बाड़ी मारेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो कुछ भारी रेंज लाइए, रुको मारो, बस मारो मारो, बस ये फाँक हो गया। अब ये जो फाँक हो गया, अब हम इसको ड्राइवर की मदद से ये खुल गया है, अब इस साइड का हम खोलेंगे, ठीक है। तो इस साइड को भी हम मारेंगे इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता करके मारो जोर से, बस रुको, और थोड़ा इस साइड को मारो, रुको मारो, बस बस ये खुल चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये हमारा लॉक खुल चुकी है, ठीक है, हमने इसे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमको पिनियम निकालना है, ये वाला पिनियम निकालना है, ये वाला पिनियम हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ये जो पिनियम है, इसे हम इस तरह से टानेंगे और ये अपने आप आ जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये देखो पिनियम यहाँ कट चुकी है इस जगह पर, इसका कारण ये घुमा नहीं पा रहा है। अब हम न्यू डालेंगे, हमारे पास है, तो चलो हम इसे लगाते हैं। मैकेनिक भाइयों, देख पा रहा है मेरे पास काफ़ी सारे पिनियम है और मैनुअल मीटर का हम काम करते हैं हर बाइक का। जैसे कि अगर इसके अंदर अगर तार भी कटा रहा है
और कोई भी मैकेनिक आज तक नहीं निकाल सका है। हमने हर वीडियो में मैंने बताया है मीटर का काम कही है, तार किस तरह से निकाले। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो पिनियम होता है, अब हम इसे न्यू डालेंगे, डालने के बाद हम सेटिंग करेंगे। अब हम आपको बताते हैं इसका जो माप है और इसका माप है, एक ही माप है मेरे मैकेनिक भाइयों, ठीक है। ये जो माप है एक ही माप है, अब हम इसे सेटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे ठीक है, और जैसे कि यहाँ एक ज़रूरत होता है, थोड़ा इसमें लगाने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ये लगेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देखो, ये सेटिंग हो गया है। मैकेनिक भाइयों, ये जो पिनियम हमने सेटिंग कर लिया है, अब ये वाला जो पिनियम है हम इसे डालेंगे, यहाँ डालेंगे। चलो इसे डाल देते हैं, बस डाल दिया और हमारा इसको इसके अंदर सेटिंग कर देंगे, ठीक है। और इस पिनियम का सेंटर करके हम इसे चाप देंगे, बॉक प्लस लगेगा। मैकेनिक भाइयों, ये जो पॉइंट होती है इसे हम लोग इस तरह से गछा के रखेंगे और इसको सेंटर करके दबाएंगे, वरना ये पॉइंट अलग से रह जाएगा। तो चलो हम इसे बैठा दिया और इस पार का भी हम बैठाएंगे। चलो दोनों पार का हमने बैठा दिया, ठीक है। अब इस पार का जो लॉक है इसे अच्छी तरह से किया, अब हम इसे लॉक कर देंगे, इसे हम लॉक कर देंगे। थोड़ा मारिए, यहाँ मार, तुमने मारिए जोर से, बस इसे भी मारिए, बस बस मारो, बस एक बार ही मरवा, बस। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये कांटा लग चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं सैंपल के तौर पे कि मेरा पॉइंट घूम रहा है कि नहीं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है, ठीक है, ये पॉइंट घूम रहा है। अब यहाँ से ये भी घूमेगा, तो हम इसे थोड़ा लुब्रिकेंट कर लेते हैं, इंजन ऑयल लाइए थोड़ा, क्योंकि ये लुब्रिकेंट होगा और कहीं जंप नहीं करेगा। तो चलो हम इसे दे देता हूँ, मीटर सर्विसिंग हो जाएगा, बस ये हो गया है। मेरे मैकेनिक भाइयों, अब देखो ये पॉइंट काम कर रहा है, देखो ये पॉइंट काम कर रहा है और ये 100% ये काम करने से क्या होता है, इस पिनियम को हम घुमाएगा, इस पिनियम अगर इस पिन पे हमको घुमाएगा, इस पिनियम इस पॉइंट को घुमाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी एक पॉइंट है, अब घुमा घुमा के जैसे कि बाइक पे, जैसे कि देखो एक पॉइंट से 0-0 आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम बाइक में आपको लगा के दिखाते हैं, सेटिंग कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों। तो चलो हम इसे लगा लेते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देख पा रहा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और ये 0-0 4 पॉइंट है, और ये जो सादा वाला पॉइंट है 1 है। अब हम इसे 2 करते हैं। तो चलो घुमाइए चक्का को, व्हील को घुमाइए और घुमाते रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि 100% काम कर रहा है कि नहीं। जैसे 2 आएगा, अभी 1 जा रहा है, व्हील भी दिखाओ, देखो व्हील भी घूम रहा है और देखो 2 पॉइंट हो गया है, 2 पॉइंट हो गया। आपने देखा था 1 पॉइंट था और 2 पॉइंट हो गया, अभी 2.5 पॉइंट हुआ और 3 में आ गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा ये जो पॉइंट अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो हम लोगों को जो मीटर का काम होता है, मेरे मैकेनिक भाइयों, हम लोग जो मैकेनिक होता है, हम लोगों को सब तरह का काम करना चाहिए, तभी बोलेगा जो मैकेनिक हम लोगों का बेस्ट है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम ये पैसे के लिए नहीं किया, हम ये मेहनत करके ये पिनियम को हमने लाया और ये पिनियम मिलता है, जैसे कलकत्ता मंदिर गली होता है, मुल्लिक बाज़ार, वहाँ से ये पिनियम मिलता है, हर चीज़ मिलता है। ये पॉइंट भी मिलेगा, कांटा भी मिलेगा, डायल भी मिलेगा, हर कोई पार्ट्स मिलता है मीटर का। तो आप लोग जाइए, अगर आप लोगों को तजुर्बा है काम करने का, अनुभव है, तो आप लोग जाइए कलकत्ता मुल्लिक बाज़ार मंदिर गली में न्यू माल मिलता है, मैंने वहाँ से लाया है और इस मीटर को हमने रनिंग कर दिया है। भाइयों आप लोगों ने देखा, ये जो किलोमीटर हमारा ख़राब हो चुकी था और काफ़ी सारे मैकेनिक ने बोला इसे चेंज करना पड़ेगा, हमने पॉइंट के कारण अब काफ़ी सारे मैकेनिक बोलते थे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये कांटा उठ रहा है, अगर पॉइंट ना उठे तो इसके लिए भी सोल्यूशन है, हमारा वीडियो देख के मैकेनिक को दिखाओ, अगर उसके पास पार्ट्स नहीं है, अगर आप लोग कभी शौक से घूमने के लिए कलकत्ता में जब जाइए, तो वहाँ आप जाइए, जैसे कि मुल्लिक बाज़ार होता है, मुल्लिक बाज़ार मंदिर गली एक मीटर का शॉप का दुकान है, उसमें जाके बोलिए भाई हमको स्प्लेंडर बाइक का पॉइंट नहीं उठ रहा है, मुझे मीटर का पिनियम चाहिए,
तो आपको जो जो भी मीटर का पार्ट चाहिए वहाँ से आप लोगों को दे देगा। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।